आज मैं आया हूँ बेतकुची में एंड करेंटली आई एम इन ए रेसिडेंशियल कॉलोनी विच इज जस्ट 800 मीटर्स फ्रॉम नेशनल हाईवे एंड 500 मीटर्स फ्रॉम NPS एंड ओनली 1.3 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको शोकेस करने आया हूँ एक रेसिडेंशियल G+2 मॉडल का इंडिपेंडेंट बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड इन ए 1 कट्ठा 10 लेसा प्लॉट यानी कि 4,320 स्क्वायर फीट में। यहाँ आपको जितने भी 200 मीटर रेडियस में जितने भी बिल्डिंग्स मिलेंगे सारे रेसिडेंशियल ब्लॉक्स ही है। अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है नेशनल हाईवे के सामने इंडिपेंडेंट बिल्डिंग आप देख रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ईच एंड एवरी डिटेल्स हम आपको शोकेस करने वाले हैं। चलिए इस प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर अभी शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ। अभी मैं हूं बिल्कुल एंट्रेंस के बाहर जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है अपना G+2 मॉडल का बिल्डिंग। मैं जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं क्योंकि बारिश दे रहा है। जो रास्ता आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग बोथ द ड्रेन्स आपका 19 फीट का है। मेन रोड से जो सब मेन रोड निकला है वो आपका लगभग 50 फीट का आपका रोड चौड़ाई है और जो सब बाइलेंस है वो आपका 19 फीट का आपका चौड़ाई है। सारे ही आपका रेजिडेंशियल प्लॉट्स है, आइए मेरे साथ। और दोस्तों यहाँ आपका वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस इज़ द एंट्रेंस, अगर आप चाहते हैं आप दो एंट्रेंस निकाल सकते हैं। एज यू कैन सी दो ओपनिंग्स है। दिस इज़ नॉर्थ यानी कि यू आर एंटरिंग साउथ एग्जिटिंग नॉर्थ। आपका नॉर्थ एंट्रेंस ओपन है और आपका वेस्ट एंट्रेंस आपका ओपन आपको मिल जाता है। एंड दिस इज़ द एरिया वेर यू कैन पार्क योर कार्स। जो शेडेड है ये आपका लगभग 400 से 500 स्क्वायर फीट का आपको शेडेड मिल जाता है जहां आप अपना 4 कार पार्किंग इजीली कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा कार पार्किंग चाहिए तो आपको ओपन यहां आप शेड कर सकते हैं, यहां भी आप अपना गाड़ी पार्किंग लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको गार्डनिंग वगैरह करना है या अगर आपको दो गेट चाहिए आप इधर भी एक गेट लगा सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। अगर हम वास्तु का बात करें दोस्तों, दिस इज़ फुल्ली वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे आपका बोरिंग किया गया है, वाटर रिजर्वर सब कुछ फिल्टर वगैरह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे है। चलिए बात करते हैं, आइए मेरे साथ, मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ फर्दर टूर में। दोस्तों आपको बस आना है 5 स्टेप टू रीच टू आवर फर्स्ट जो प्लेटफॉर्म है। यहाँ से मैं आपको पहले समझा देता हूँ, टूवर्ड्स माई लेफ्ट इज़ आवर बोरिंग जो कि प्योर नॉर्थ ईस्ट में है। पीछे आपका सेप्टिक टैंक है। ये जो प्रतीक जी ये दिखा दीजिए, ये जो ओपनिंग है दोस्तों नीचे आपका ये फिल्टर है। अगर आप चाहते तो इसको ये खोल के भी क्लीन कर सकते हैं। 5000 लीटर का ये स्पेस में फिल्ट्रेशन के लिए प्रोविजन रखा हुआ है, ऑलरेडी फिल्ट्रेशन हो रहा है। और ठीक मेरे नीचे यहाँ से लेकर वो स्टेयर केस तक 10,000 लीटर का आपका रिजर्वर है। पानी पहले फिल्ट्रेशन होके रिजर्वर में जाता है, फिर यहाँ से ओवरहेड जो टैंक है वहाँ आपका पानी जाता है दोस्तों। सो प्यूरीफाई होके आपका जाता है। प्रतीक जी थोड़ा सा इस तरफ आइए, अगर आपको रिजर्वर भी क्लीन करना हो देन दिस इज़ द ओपनिंग, ये खोल के आप अपना रिजर्वर को क्लीन कर सकते हैं। आइए अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर अभी कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपका 75% कंस्ट्रक्टेड है। फर्स्ट फ्लोर फुल्ली बना हुआ है, सेकेंड फ्लोर और आपको ग्राउंड फ्लोर बना लेना है। ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों ये दिस इज़ ऑलमोस्ट 1500 स्क्वायर फीट जहाँ आप इजीली 2 BHK 3 BHK भी बना सकते हैं। अगर आप 3 BHK बनाते हैं आपको एक यूनिट आप बना सकते हैं, अगर आप 2 BHK बनाते हैं तो 2 यूनिट आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ आपका पार्किंग 4 कार पार्किंग इजीली हो जाएगा। अगर आप ओपन शेड में भी पार्किंग करना चाहते हैं देन एक्स्ट्रा 3 कार भी आपका ओपन शेड में ओपन एरिया में आपको 3 कार पार्किंग हो जाएगा। एंड दिस इज़ अ एरिया वेयर यू कैन कंस्ट्रक्ट 2 BHK 1 BHK या फिर 3 BHK। अगर हम बात करें हाइट का, हाइट आपको क्लियरेंस आपको मिल जाता है 10 फीट का, आइए मेरे साथ। और जो ये कॉमन एरियाज है, कॉमन एरियाज पे आपका ओनर ने ग्रेनाइट लगा के दिया है टिल द टेरेस, आइए। आइए मेरे साथ आप आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में, कॉमन एरियाज पे आपका ग्रेनाइट लगाया गया है और स्टेयरकेस का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 4 फीट का है।
रेलिंग आपका स्टील का लगाया गया है। आइए मेरे साथ, आप एंटर कर रहे हैं, अगर आप इसको एंट्रेंस को कंसीडर करते हैं, ये एंट्रेंस है ईस्ट एंड वेस्ट। आप एंटर करेंगे वेस्ट की तरफ, एग्जिट करेंगे ईस्ट की तरफ। सेफ्टी के लिए कोलैप्सिबल गेट लगाया गया है। फर्स्ट फ्लोर फुल्ली बनाया गया है, सेमी फर्निश्ड प्रॉपर्टी है। जैसे आप एंटर करते हैं आपको एक वरेंदा मिल जाता है जिसका डायमेंशन है 13x7.5 का। आपके जो अपोजिट जो प्लॉट है, अगर उस प्लॉट में भी कभी कंस्ट्रक्शन हुआ तो लगभग आपको 40 फीट का आपको गैप मिलेगा, क्योंकि जो अप्रोच रोड है वो दैट इज़ 19 फीट। हमारा मेन बाउंड्री से आपका 10 फीट छोड़ा हुआ है। उनके बिल्डिंग से भी अगर वहाँ बिल्डिंग बनता है तो मेन उनके बाउंड्री से भी उनको 10 फीट छोड़ना पड़ेगा। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 40 फीट का आपको गैप मिलेगा दोस्तों। वेंटिलेशन अच्छा मिल जाएगा, दो साइड्स ओपन है। एंड अगर आप चाहते हैं तो इस ये एंट्रेंस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये एंट्रेंस भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर में 5 BHK है, अप्रॉक्सीमेटली 2100 का सुपर बिल्डअप में। अगर आपको इतना बड़ा घर नहीं चाहिए तो एक पार्ट आप रेंट आउट कर सकते हैं, एक पार्ट में आप रह सकते हैं। चलिए, और अगर आप ये एंट्रेंस को कंसीडर करते हैं तो ये एंट्रेंस है ईस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। आप एंटर करेंगे साउथ की तरफ, एग्जिट करेंगे नॉर्थ की तरफ। और अगर मैं बात करूँ इस बिल्डिंग में जितना भी जो प्लाई का काम हुआ है, वुडन वर्क हुआ है, प्लाई का काम हुआ है, वो सारा ग्रीन प्लाई दोस्तों यूज़ किया गया है। आइए मेरे साथ, आप एंटर कर रहे हैं साउथ की तरफ, एग्जिट करेंगे नॉर्थ की तरफ। दिस इज़ आवर स्पेशियस लिविंग कम डाइनिंग ऑफ डायमेंशन 25.8x13.2 का। लंबाई जो है आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 25.8, और चौड़ाई वहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका डायमेंशन है 13x2 का। टाइल्स आपका 4x2 का विट्रीफाइड टाइल्स है। हाइट है आपका 10 फीट का क्लियरेंस आपको हाइट मिल जाता है। फैन वगैरह सब लगा हुआ है, लाइट्स फैन सब कुछ लगा हुआ है। लिविंग कम डाइनिंग के साथ वी हैव आवर बहुत प्यारा सा मंदिर एरिया जो कि प्योरली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे है। प्लीज हैव ए लुक। उसके साथ ये मंदिर एरिया के साथ एक बर्तन, भगवान के बर्तन क्लीन करने के लिए एक जगह उन्होंने दिया है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं। एंड ये प्यारा सा हमारा जो भगवान जी का जो मंदिर के लिए जो ये डोर है वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी प्रीमियम डोर, काफ़ी सुंदर सा ट्रेडिशनल लुक में ये लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पहले फ्लोर प्लान समझा देता हूँ। यहाँ से आपका टूवर्ड्स माय राइट इज़, यानी कि आपके लेफ्ट में दो बेडरूम है, एक बाथरूम है। मेरे पीछे है आपका एक किचन, और इस प्रॉपर्टी में आपको दो किचन मिलने वाला है। पीछे आपको एक किचन है, इस तरफ है हमारा बेसिन एरिया। टूवर्ड्स माय लेफ्ट यानी कि आपके राइट में आपको मिल जाता है 3 बेडरूम 1 किचन और 1 वॉशरूम। चलिए आइए मेरे साथ दोस्तों, पहले शुरू करते हैं हमारे बेडरूम्स के साथ। मेरे राइट में एक बेडरूम है, लेफ्ट में एक बेडरूम है। पहले शुरू करते हैं इस बेडरूम के साथ दोस्तों। अगर मैं बात करूँ डायमेंशन का, डायमेंशन है 14x15। सारे बेडरूम्स में आपको ड्राई बेल्कनी देखने को मिलेंगे। प्लीज़ हैव ए लुक। जैसे कि मैंने बताया सेमी फर्निश्ड प्रॉपर्टी है, सारे बेडरूम्स में आपको वार्डरोब स्पेस भी देखने को मिलेंगे। और जो भी प्लाई है दोस्तों वो है आपका ग्रीन प्लाई, एंड द माइका जो लेमिनेट्स है ये लेमिनेट्स है आपका मेरिनो का लेमिनेट्स लगाया गया है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी सफिशेंटली एक वार्डरोब में जो जो होना चाहिए वो उन्होंने लगा के दिया है। एलिगेंट आपको हैंडल्स मिलेंगे, मैट फिनिश, ब्लैक मैट फिनिश में आपको हैंडल्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ डायमेंशन का, डायमेंशन इज 14x15, लंबाई है 14, चौड़ाई है 15, और सारे ही बेडरूम में आपको मिल जाता है एसी कनेक्शन। वास्तु के हिसाब से साउथ फेसिंग में, साउथ डायरेक्शन में हमारा बेड होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंगली उन्होंने स्विच बोर्ड्स, एसी कनेक्शंस वगैरह वैसे ही दिया है। आइए मेरे साथ, और जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार गौर फरमाइए, आपको बेडरूम के अंदर आपको कोई भी बीम देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए आइए मेरे साथ, टुवर्ड्स माई लेफ्ट इज आवर फर्स्ट वॉशरूम ऑफ डायमेंशन 5x9। दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं जो कि अक्सर फ्लैट में गलत हमें लगता है, वो क्या, वो है वेट एंड ड्राई एरिया। जहां आप अभी खड़े हैं दैट इज अ वेट एरिया, जहां आप स्नान करेंगे, जहां आप अपना क्लीन करेंगे, ठीक है। और ये है अपना ड्राई एरिया जहां ये कमोड है, जो ब्रांड फिटिंग से वो आपका ग्लोसेरा का आपको ब्रांडेड फिटिंग्स आपको देखने को मिलेगा। और ये रहा आपका एक छोटा सा बेसिन एरिया जहाँ आप अपने हाथ वाथ धो सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा स्टोरेज है, यहाँ आपका ये अर्थ टाइप में उन्होंने मिरर दे दिया है। चलिए आइए मेरे साथ, और दोस्तों एक चीज़ आप देखिए, वॉशरूम में भी उन्होंने फैन के लिए प्रोविजन कर दिया है, आपको गीजर भी मिलेगा इस प्रॉपर्टी के साथ।
वॉशरूम का फैन चलाना है, यहाँ आपका वो कनेक्शन है। आइए मेरे साथ, अभी हम एंटर कर रहे हैं सेकेंड बेडरूम में, जिसका डायमेंशन सेम 14x15 का है, लंबाई 14 है, चौड़ाई 15 है, 14x15 का है। यहाँ भी आपको मिलेगा ड्राई बेल्कनी। दोस्तों फुल्ली वेंटिलेटेड है, यहाँ आपको दो साइड में आपको ड्राई बेल्कनी देखने को मिलेगा, और यहाँ भी आपको वार्डरोब मिलेगा सेम एग्जैक्ट वैसा ही आपको वार्डरोब मिल रहा है। ग्रीन प्लाई का आपको वार्डरोब मिलेगा सेम डिज़ाइन पे, और ऊपर ओवरहेड भी आपको अगर आपको स्टोरेज करना है वो भी आप कर सकते हैं। टाइल्स आप देख सकते हैं 4x2 का टाइल्स है, अगेन सीलिंग में नो बीम इन बिटवीन द सीलिंग। चलिए मैं भी आपको लेकर चलता हूँ हमारे फर्स्ट किचन में। आइए, इस प्रॉपर्टी में आपको मिल जाता है दो किचन। अगर मैं बात करूँ डायमेंशन का, डायमेंशन इज 11x8, लंबाई है 11 का और चौड़ाई है 8 फीट का। आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो एल शेप में जो स्लैब दिया गया है दोस्तों, ये भी जो आप देख सकते हैं दिस इज ग्रेनाइट, एंड ये आपको मिल जाता है फेवर का चिमनी मिल जाता है दोस्तों, जिस मोशन के साथ ये चलता है। एंड अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको आप ऐसे करके बंद कर सकते हैं। एंड यहाँ आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आपको स्टोरेज मिल जाता है, जो भी आप फिटिंग्स उन्होंने दिया है सारा ब्रांडेड फिटिंग्स है दोस्तों, अनयूज्ड प्रॉपर्टी है। और इस तरफ है वास्तु के हिसाब से हमारा साउथ डायरेक्शन में हमारा पानी का ये होना चाहिए, यानी कि सिंक वगैरह यू नो साउथ ईस्ट में होना चाहिए किचन, साउथ प्रॉपर साउथ ईस्ट में आपको किचन मिल जाता है। स्टेनलेस स्टील का आपको जो सिंक है वो स्टेनलेस स्टील का आपको दोस्तों मिल जाता है। किचन के साथ हमें एक छोटा सा यूटिलिटी स्पेस मिलता है, जिसका डायमेंशन है ऑलमोस्ट 10x4 का। यहाँ आप अपना जितना भी बड़ा बर्तन है वो आप यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन यहाँ आप कनेक्शन करना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन का कनेक्शन भी यहाँ पर है, बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए ये आपको स्पेस मिल जाता है। इस तरफ आपको ओपनिंग है, ये सब एरिया पर आपका ग्रेनाइट वगैरह लगाया गया है, ये आपका नॉन स्लीपरी टाइल्स लगाया है, 2x2 का नॉन स्लीपरी टाइल्स इन द किचन। आइए मेरे साथ, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे फर्दर बेडरूम्स में। टूवर्ड्स माय लेफ्ट इज़ आवर एक छोटा सा बेसिन एरिया, जहाँ आप अपना डाइनिंग के साथ है, हाथ वाथ धोने के लिए ग्लोसेरा का आपका फिटिंग्स है। दिस इज़ नॉट ए पेड प्रमोशन बाय ग्लोसेरा, बट एनीवे ये आपको एक बड़ा सा शीशा मिल जाता है जब जहाँ आप अपना यू नो फेस वगैरह देख सकते हैं। डोंट माइंड, मैं बहुत ज़्यादा यू नो स्वेट कर चुका हूँ, बट बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। ये नीचे आपको मिल जाता है प्रॉपर स्टोरेज, ये घर अगर आप लेते हैं या आपको एक्स्ट्रा करके कुछ नहीं करना है। आइए मेरे साथ, मैंने जिसे बताया था अगर आपको रेंट आउट करना है तो ये जो डोर है, प्रतीक जी थोड़ा सा पीछे जाइए मैं दिखाता हूँ, ये जो डोर है इसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं, एंड यू कैन सेपरेट बोथ द यूनिट्स। चलिए आइए मेरे साथ दोस्तों, अभी हम आए हैं हमारे थर्ड बेडरूम में, जिसका डायमेंशन है 16x14 का, लंबाई जो है वो 16 है, चौड़ाई आपका 14 फीट का है, विद नेसेसरी स्विच बोर्ड्स। यहाँ से आपको मिल जाता है ये ओपन एरिया, यहाँ भी इन फ्यूचर अगर बिल्डिंग बनता है तो आपको 40 फीट का आपको लगभग पूरा क्लियरेंस मिलने वाला है, क्योंकि इस तरफ भी रास्ता है। एंड सेफ्टी के लिए अगर ये आपका दिया गया है सेफ्टी के लिए, ये इन फ्यूचर अगर आप पूछे तो ये खोल के आप कूद सकते हैं। आइए, और यहाँ भी दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सीलिंग पे क्लियरली नो बीम इन बिटवीन द रूम्स। ये बेडरूम के साथ दिस इज द मास्टर बेडरूम, और इस बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है अटैच्ड वॉशरूम। आप थोड़ा सा अंदर आइए, सेम यहाँ पर जैसे कि ये ड्राई एरिया है, ये वेट एरिया है, टोटली सेपरेट किया गया है। प्रतीक जी आपके पीछे एक ओवरहेड एक लॉफ्ट एरिया है, वो आप उनको दिखा दीजिए दोस्तों। यहाँ भी आप अपना स्टोरेज वगैरह लगा सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दिस इज़ अ एरिया वेर यू कैन स्टोर यू नो जो आपको नहीं चाहिए सामान वो सब आप वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आइए मेरे साथ दोस्तों, दिस इज अनदर रूम, अगर आप चाहे तो इसको डाइनिंग रूम भी बना सकते हैं या फिर बेडरूम भी बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। ये इस एरिया का जो डायमेंशन है वो है दोस्तों आपका लगभग 14x10 का, उसके साथ एक बेल्कनी मिल जाता है जिसका डायमेंशन है दोस्तों 15x4.5 का। उसके साथ आपका यहाँ बेसिन है, ग्लोसेरा का फिटिंग्स है, इस तरफ है वॉशिंग मशीन पॉइंट, फैन लगाने के लिए आपका हुक दिया गया है, सारा सिस्टम आपका किया गया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह सब किया है, और यहाँ से आपको बहुत अच्छा सा व्यू मिल जाता है दोस्तों। एंड सेफ्टी के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक आपका पूरा ग्रिल है, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, यहाँ आप अपना गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं।
आइए। और ये जो एक पैसेज टाइप का है, इसका डायमेंशन है 4.5 का और ये ऑलमोस्ट 6-6.5 फीट का है। आइए अभी मैं आपको दिखा, तो हमारा सेकंड किचन जिसका डायमेंशन है 11x8 का, लंबाई 11 है, चौड़ाई आपका 8 है। यहाँ आपका इस तरफ एक सिंक है, नीचे आपका स्टोरेज है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपका स्टोरेज है, यहाँ आपका चिमनी एरिया है। प्रतीक जी इस तरफ आपका सब कुछ दिखा दीजिए, ये कटलरी रखने का सामान, यहाँ आपका छोटा सा छोटा जो प्लेट्स, यहाँ बड़ा बास्केट्स या बिग यूटेंसिल्स रखने के लिए है, इस तरफ भी आपको मिल जाता है सारा स्टोरेज रखने के लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज आवर फिफ्थ बेडरूम ऑफ डायमेंशन 14x13, लंबाई है 14, चौड़ाई है 13। इस बेडरूम के साथ भी आपको मिल जाता है बेल्कनी, इस तरफ है ड्राई बेल्कनी, प्लीज हैव ए लुक एट आवर बेल्कनी एरिया। इस बेडरूम से भी हम एग्जिट ले सकते हैं, हमने एंटर किया था इस यहाँ से और एग्जिट कर रहे हैं पीछे से, ये हम आ गए फिर से बरंदा एरिया में। चलिए सेकंड फ्लोर को देख लेते हैं। आप अभी आ रहे हैं सेकंड फ्लोर पे दोस्तों, जैसे कि आप प्लीज आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर आपको टोटली बना लेना पड़ेगा विथ दिस सुपर बिल्डअप ऑफ 2100 अप्रॉक्स स्क्वायर फीट। आप जैसा चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में है। अगर आप 2BHK 3 निकालना चाहते हैं वो भी आप कर पाएंगे, 800-900 स्क्वायर फीट का भी आप, या फिर 1BHK बनाना चाहते हैं या फिर 3BHK 2-3BHK बनाना चाहते हैं वो आप बना पाएंगे, सिंस इट इज़ ए 2100 स्क्वायर फीट। और यहाँ जो भी अगर आप ये लेने के बाद भी पाइप के लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ओनर है उन्होंने ये सारा फैसिलिटी उन्होंने कर दिया है। आप थोड़ा सा इस तरफ आइए प्रतीक जी, ये जो आप देख सकते हैं ये दीज आर द कनेक्शंस, सेकंड फ्लोर पे अभी तक हुआ नहीं है, सेकंड फ्लोर बना नहीं है बोल के ये इन्होंने बंद करके रख दिया है। बट जैसे ही सेकंड फ्लोर आप बना लेंगे यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर द यू नो वाटर पाइप्स के लिए, ऑलरेडी है ये कनेक्शन को खोल के बस आपको ये एडजॉइन करा लेना है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेरेस एरिया, आइए मेरे साथ। आइए मेरे साथ, अभी हम हैं टेरेस में, टेक्निकली वी आर ऑन द थर्ड फ्लोर बट ये सेकंड फ्लोर का छत में है। ये आपको बिल्कुल ओपन मिलेगा, स्क्वायर शेप में है, इस तरफ है आपका सिक्योरिटी रूम, आप बना सकते हैं या फिर इससे प्रॉपर 1 RK रूम। आइए इसको देख लेते हैं, ये प्रॉपर 1 RK है, इफ यू वांट इसको आप रेंट आउट भी कर सकते हैं या फिर आप अपने स्टाफ को रख सकते हैं, अपने मेट्स को रख सकते हैं। एंड ये एरिया पे एक किचन भी है, बस आपको स्लैब लगा के देना है, कनेक्शन वाटर कनेक्शन वगैरह है, उसके जस्ट ऑपोजिट में आपका वॉशरूम भी अवेलेबल हो जाएगा, आइए मेरे साथ। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया सारा पाइप कनेक्शन सब कुछ यहाँ आपका दिया गया है दोस्तों, स्क्वायर शेप में है। एंड इफ़ यू वांट, क्योंकि सारे आस पड़ोस में सारे घर में ऐसे आसाम टाइप घर बना के उन्होंने रखा है, ये पार्ट को आप बिल्कुल ओपन रख सकते हैं और इस पार्ट को ऑलमोस्ट 800-900 स्क्वायर फीट टूवर्ड्स माई लेफ्ट आप रख सकते हैं, एज ए आसाम टाइप घर बना के आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं भी आपको वाटर ऊपर जो एक और एक जो फ्लोर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ है आपका सारा पानी का ओवरहेड टैंक्स जो है वो यहाँ पर उन्होंने फैसिलिटी कर दिया है, ये 1000 लीटर का है, ये भी 1000 का, और ये ऑलमोस्ट 700 या 750 लीटर्स का है। और ये जो हुक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफ़ यू वांट और एक शेड इसको आप ऊपर लगा सकते हैं ताकि डायरेक्ट हीट आपको टैंकी में ना मिले। और यहाँ जो भी आप देख सकते हैं लाइक ये सारा जो पाइपिंग से, अगर आप सेकेंड फ्लोर में भी बस आपको कनेक्ट करा लेना है, सारा सुविधा उन्होंने दे के रखा हुआ है दोस्तों। और ये एरिया को आप एक बार देख लीजिए बहुत अच्छे से, सारा आपका रेसिडेंशियल विद इन 200 मीटर्स, सारा आपका रेसिडेंशियल घर ही मिलेंगे। दोस्तों मुझे पता है ये प्रॉपर्टी का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है, अभी हम आते हैं फाइनल सवाल पे। विशाल जी इस घर का प्राइस क्या है? घर तो देख लिया बहुत सुंदर, इसका प्राइस बता दीजिए।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, बेतकुची लोकेशन में है, मेन नेशनल हाईवे से 800 मीटर्स डिस्टेंस में है। नेशनल हाईवे से जो सब मेन रोड है वो आपका 50 फीट का है और जो सब बाईलेन है वो आपका 19 फीट का है। वाटर लॉगिंग यहाँ पर नहीं होता है, ड्रेनेज आपका बन रहा है। जो अप्रोच रोड है वो आपका सैंक्शन हो चुका है, ब्लॉक रोड बनने वाला है, G+2 मॉडल का प्रॉपर्टी है। एक कट्ठा 10 लेसा लैंड पे G+2 बनाया गया है। पर फ्लोर आपका 2100 स्क्वायर फीट का आपको स्पेस मिलेगा। ग्राउंड एंड सेकेंड फ्लोर आपको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। फर्स्ट फ्लोर फुल्ली 5 बेडरूम का आपका सेमी फर्निश्ड प्रॉपर्टी विथ 5 बेडरूम्स, 2 किचन, 2 वॉशरूम, चिमनी गीजर के साथ आपको मिलने वाला है। आस्किंग प्राइस ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज 2 crore 98 lakhs ओनली। दिस प्राइस इज निगोशियबल। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन द नंबर गिवन बिलो। मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय।